कपिल शर्मा को आपने कॉमेडी करते हुए तो देखा है, लेकिन अब जब वो बतौर एक्टर स्क्रीन पर आ रहे हैं तो क्या ज़िगाटो से वो आप लोगों का दिल जीत पाएंगे? क्या थिएटर में जाकर इस पर पैसा वेस्ट करना चाहिए या पैसा वसूल है ये फिल्म? मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो लॉकडाउन में आपने हमने कई परेशानियों का सामना जरूर किया होगा, हमारे साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के वो मजदूर या वो लोग जो वाकई में दिहाड़ी पर काम करते थे, उनके लिए लॉकडाउन जो है बहुत मुश्किल रहा। अब एक फूड डिलीवरी का काम करने वाला, अगर कहूं मानस, जिसके ऊपर अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी, दो बच्चों की जिम्मेदारी है, लॉकडाउन में वो किस तरीके से अपना परिवार चला रहा है, ये ज़िगाटो की कहानी है। आप जानते ही हैं फूड डिलीवरी बॉय जो है वो कपिल शर्मा ने किरदार निभाया है, लेकिन ये फिल्म भुवनेश्वर ओडिशा में फिल्माई गई। नंदिता दास इसकी प्रोड्यूसर है, और जब मैं नंदिता दास का नाम लेती हूँ तो एक सादगी, रियलिस्टिक सिंप्लिसिटी, एक मैसेज के साथ की फिल्म का जो है आपके आगे आएगा कि इस तरह की कोई फिल्म होगी, वो प्रोड्यूसर है। तो ये फिल्म भी कुछ उसी तरीके की है। फिल्म का सार, मुझे एक लाइन थी फिल्म की, वो मजदूर है इसलिए वो मजबूर है, या वो मजबूर है इसलिए वो मजदूर है। तो मुझे लगता है कि फिल्म का पूरा सार आपको इन्हीं दो लाइनों में मिल जाएगा कि आखिरकार ये जो लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ फूड डिलीवरी बॉय एक आपको अगर मैं कहूँ कि एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, आप उसकी जगह किसी को भी रख सकते थे कोविड के दौरान, चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो, या आपके रस्ते पर कचरा उठाने वाला आने वाला कोई शख्स हो, या फिर आप कोई भी क्यों ना हो, आप उसे रख सकते थे, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाला कोई हो। तो कैसे हालातों के सामने, क्या हालातों पर जीता जा सकता है, या आप हालात के सामने मजबूर होकर घुटना टेक देते हैं, ये ज़िगाटो की कहानी है। फिल्म के बहुत सारी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन फिल्म देखते देखते एक पॉइंट पर आपको जरूर महसूस होगा कि ये फिल्म बनाई क्यों गई है। आखिर तक सीट पर आप इस बैठकर इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि काश अब तो कुछ हो जाए, काश अब तो कुछ हो जाए। अगर हमने इस फिल्म को देखने के लिए इतना समय डाल दिया तो काश अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए। 104 मिनट की फिल्म है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत लंबी चौड़ी फिल्म है, लेकिन फिल्म का अंत का जो सीन है वही एक आपको मैसेज दे जाता है कि ये फिल्म कहना क्या चाह रही थी। वरना फूड डिलीवरी के लिए इधर उधर घूमते कपिल को देखकर आपको लगेगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। लेकिन फूड डिलीवरी के साथ साथ ही वो कुछ छोटे छोटे मैसेजेस ऑडियंस को दे जाता है, मैसेजेस की मैं बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कपिल शर्मा की एक्टिंग। तो इससे पहले भी कई कॉमेडियंस एक्टर बने हैं, कपिल की मैं बात करूं तो कपिल को देखकर उसके अंदर के एक्टर से पहचान बनाने के लिए आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि कपिल अपनी छाप कपिल शर्मा शो से कुछ इतनी ज्यादा ऑडियंस के जहन पर छोड़ चुके हैं कि ऐसा लगता है कि अब अगर कपिल स्क्रीन पर है तो कोई कॉमेडी तो जरूर होगी। उनके डायलॉग्स में कहीं कहीं वो जो पंच है, देखिए कॉमेडियन को कॉमेडी की टाइमिंग की समझ बहुत ज्यादा होती है, और जब उनको उस तरीके के डायलॉग्स दिए गए जहां पर पंच थे, टाइमिंग्स थी, कॉमिक टाइमिंग्स थे, उन सभी डायलॉग्स को कपिल ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया। कपिल के फेस का एक्सप्रेशन जो है, एक बॉडी लैंग्वेज एक जो मिडिल क्लास वाली है वो दिखती है, लगता है कि उन्होंने उस कैरेक्टर में जाने के लिए बहुत ज्यादा जो है कोशिश की। लेकिन शहाना गोस्वामी जिन्होंने कपिल की पत्नी का किरदार निभाया है, मैं हेड्स ऑफ कहूंगी उन्हें, सब फेल है उनके सामने। इतनी खूबसूरत एक्टिंग जो है शाहना ने की है। एक मिडिल क्लास औरत अपने साथ कितनी जिम्मेदारियों को लेकर चलती हैं, वो शाहना के कैरेक्टर में, प्रतिमा के किरदार में देखने को मिलता है, और उसके बावजूद उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होती। एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर जो है वो लिखा गया है। तो कपिल शर्मा की फिल्म जो है आपको समय समय पर छोटी छोटी चीजें भी कन्वे करेगी, मैसेज भी देगी, पर थिएटर में बड़े स्क्रीन पर अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो आप
जब पैसा डालकर जाते हैं तो थोड़ा और एक्सपेक्ट करते हैं। ओटीटी फिल्म फेस्टिवल में इस तरह की फिल्में जो है चल जाती हैं, लेकिन कपिल ने अच्छा काम किया है। शाहाना खूबसूरत बेहतरीन अदाकारा है जो इस फिल्म में दिखकर आया है। तो फिल्म आप ओटीटी पर देख सकते हैं। अगर आपको एक अलग तरीके का सिनेमा देखने की चाह है तो आप थिएटर भी जा सकते हैं, लेकिन अंत तक आप भी मेरी तरह बस ये ढूंढते रहेंगे कि जिस तरीके से कपिल के कंधे पर लटके इस डिलीवरी बैग में वाकई कुछ था या नहीं, ऐसे ही ऑडियंस ये ढूंढती रहेगी कि क्या इस स्टोरी में वाकई में ऐसी कोई चीज़ है जिसे वो कन्वे करना चाहते हैं। क्योंकि आपको वर्ल्ड सिनेमा अगर देखना पसंद है, फेस्टिवल का सिनेमा देखना पसंद है, तो जो है आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। कॉमेडी की उम्मीद मत करना, एक दो पंचेस हैं, उन सभी डायलॉग्स को कपिल ने खूबसूरती के साथ डिलीवर किया है। तो मैं हीना कुमावत आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस फिल्म का ओटीटी पर इंतजार कर सके तो करें, थिएटर पर जाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ मत जाना। एक सिंपल सी फिल्म है, कपिल ने शुरुआत अच्छी की है, बतौर एक्टर उनकी ये पहली फिल्म है और उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो अपने कंधे पर फिल्म उठा सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप लोगों को अगर आपने देखी हो, मैं आपको बता दूं कि फिल्म की प्रोड्यूसर नहीं डायरेक्टर भी है नंदिता दास, तो अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।